परीक्षा देश वाला मारवाड़ी माध्यमिक विद्यालय सतपुर जर्जर की छठी कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने भारत चीन तनाव पर दो शब्द बोलना चाहती हूँ। आशा है कि आपको पसंद आएंगे। चीन में तेरे कान खोलना चाहती हूँ, तो किस भरम में है ये 2020 का नया भारत है। तो किसी गलत फहमी में मत रहना, यह भारत मस्त मोला भी है। 1962 में तू जीता नहीं, यह हमारा मस्त मोलापन था। यहाँ मस्त मोला कुंडी सोटा कमर पर बांध के चलते हैं, चलते हैं तो धरती हिल जाती है। वे बांग की चटनी बनाकर खाते हैं, अगर उन्हें समझ आ गया ना, बुद्धि चकरा गई ना, तो चीन तेरी चटनी बनते वक्त नहीं लगेगा। और सुन, अब तो पीएम की कुर्सी पे भी मस्त मोला बैठा है। तू भूल गया जब डोकलाम में अंगद की तरह हमारे मस्त मोला ने पैर रखा था तो महीनों तक नहीं हिला सका था। हमारे मस्त मोला को दादागिरी बिल्कुल पसंद नहीं है। अमन शान की पसंद उसकी शान का डंका तुम चमगादड़ों को सुनाई नहीं देता क्या? क्या शराफत को सहज समझ रखा है जो मक्खी चाट लेगी? क्या हमारी साफ नीयत को बेडरूम का शीशा समझ रखा है? क्या हमारी ईमानदारी को चाइनीज खिलौना समझ रखा है? तुझे एक बात बता दूं, जितना तुम्हारे सैनिक का टोटल कद है ना, इतना तो हमारे भारत की एक एक वीरांगना उंगलियों के नाखून बढ़ा देती है। जितना तुम्हारे सैनिक का वजन है ना, इतना तो हमारे साधु संत शरीर पर धूनी रमा देते हैं। बात करता है हमारे वीरों से टक्कर लेने की, अगर हमारे वीरों का एक थप्पड़ लग गया ना, अगर हमारे वीरों का एक थप्पड़ लग गया ना, भूल जाएगा सप्ताह में दिन कितने होते हैं। हमारे वीरों ने गलवान में तुम्हारे सैनिकों को थप्पड़ मार मार कर मारा था, याद नहीं? तू क्या सोचता है हथियारों के जमावड़े से डरा देगा? तुझे ये नहीं पता जितनी तुम्हारी मिसाइलों की रेंज है ना, इतनी तो हमारी बजरंग बली की लंबी कूद थी। बस रुक जा, मत मूड खराब कर मेरा। तेरे ड्रैगन से तो हम वीर बच्चे सांप सीढ़ी बनाकर खेलते हैं। जब बच्चे ड्रैगन से नहीं डरते तो तू सोच, अनाड़ी धोखे बाज बीमारियों के भंडार। 100 कुत्ते भी मिलकर एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते।